बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले से, जहां पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ पर 5 बार विधायक बने चौधरी मतीन अहमद ने आज झाड़ू थाम ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चौधरी मतीन अहमद की, जिन्होंने अपने पुत्र जुबैर अहमद और पुत्रवधू के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली केजरीवाल की मौजूदगी में। अब सवाल ये होता है कि हाल ही में कुछ दिन पहले देखा गया था कि लक्ष्मीनगर विधानसभा से भी बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी बीबी त्यागी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। तो क्या अब आम आदमी पार्टी के पास उनके जमीनी कार्यकर्ता नहीं बचे हैं जो आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से कैंडिडेट्स को इंपोर्ट कर रही है? सवाल यह भी उठता है कि क्या इस तरह की नीतियों से आम आदमी पार्टी का जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो व्यक्ति टिकट की आस लगाए बैठे हैं, उसमें असंतोष की भावना उत्पन्न नहीं होगी? आम आदमी पार्टी के गिरते ग्राफ को देखकर यह तो कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी कैंडिडेट्स को तो इंपोर्ट कर सकती है, लेकिन इस तरह की नीतियों से यह बात सुनिश्चित है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनावों में, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं कि केजरीवाल की हालत पतली है और वो इस चुनावी नैया को सिर्फ दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स को इंपोर्ट करके ही पार करना चाहते हैं। अगर जो आपको दिल्ली की पॉलिटिक्स से रिलेटेड इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।